हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत सारी टेक न्यूज लाया हूँ। और आज टेक न्यूज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको मेरा ये नया सेटअप कैसा लगा? और दोस्तों, मुझे इस नए सेटअप के साथ और क्या नया इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और दोस्तों, चलिए आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज है OnePlus की तरफ से। तो आज OnePlus ने कंफर्म किया है कि OnePlus Note में हमें AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है। और OnePlus ने इस चीज को एक मीम के थ्रू कंफर्म किया है, और वो मीम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, क्या आप लोग OnePlus Note के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, Snapdragon 865 Plus आज Qualcomm ने अनाउंस कर दिया है, और ये उनका नया फ्लेक्सिबल प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर Snapdragon 865 के कंपेयर में बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, जहां पर हमें इस प्रोसेसर में हमें GPU और CPU बहुत ही अच्छा मिलता है। और इसके CPU और GPU में हमें 10% ज्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस Snapdragon 865 के कंपेयर में बहुत ही अच्छी होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है Asus की तरफ से। तो आज Asus ने कंफर्म किया है कि Asus ROG 3 फोन 22 जुलाई को ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और Asus ने ये आज कंफर्म कर दिया है कि इस स्मार्टफोन में हमें Snapdragon 865 प्लस का प्रोसेसर मिलने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग Asus ROG 3 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, कल तक तो हमें लग रहा था कि Asus ROG 3 फोन ही दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जहां पर Snapdragon 865 प्लस का प्रोसेसर मिलने वाला है। बट आज ये कंफर्म हो चुका है कि Asus ROG 3 फोन दुनिया का पहला स्मार्टफोन नहीं होगा जिसमें हमें Snapdragon 865 प्लस का प्रोसेसर मिलने वाला है, क्योंकि Lenovo ने आज ये कंफर्म किया है कि वो लोग अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन Lenovo Legion 22 जुलाई को ही लॉन्च करने वाले है। और Lenovo का लॉन्च इवेंट 3 घंटे पहले होने वाला है Asus ROG 3 के लॉन्च इवेंट से पहले। यानी कि Lenovo Legion स्मार्टफोन दुनिया का पहला स्मार्टफोन होने वाला है जहां पर Snapdragon 865 प्लस का प्रोसेसर होने वाला है। कैसी लगी? दोस्तों, कल की टेक न्यूज में मैंने आपको कहा था कि Realme C11 इंडिया में सून लॉन्च होने वाला है, और आज Realme ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग Realme C11 को 14 जुलाई को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, Realme C11 के लिए आप एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अगली न्यूज भी Realme की तरफ से ही है। तो Realme ने अपना नया 5G स्मार्टफोन यूरोप में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है Realme X50 5G। ये स्मार्टफोन Realme X50 M 5G जो चाइना में लॉन्च हुआ था उसी का रीब्रांडेड वर्जन है। इस स्मार्टफोन में हमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, Snapdragon 765G का प्रोसेसर भी मिलता है, और Realme ने इस फोन की प्राइस रखी है 26,000 रूपए। और पता चला है कि Realme इस स्मार्टफोन को इंडिया में भी जल्द ही लॉन्च कर सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है Redmi की तरफ से। तो आज Redmi ने कंफर्म किया है कि वो लोग अपना नया स्मार्टफोन Redmi Note 9 इंडिया में सून लॉन्च करने वाले हैं। और लीक्स की अगर हम माने तो ये स्मार्टफोन अगले हफ्ते ही लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप लोग Redmi Note 9 के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और दोस्तों, आज iQOO ने अपना नया स्मार्टफोन iQOO Z1X चाइना में लॉन्च कर दिया है, और इस स्मार्टफोन की प्राइस iQOO ने बहुत ही एग्रेसिव रखी है। बहुत ही अच्छी प्राइस पर ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हो चुका है। इस स्मार्टफोन में हमें Snapdragon 765G का प्रोसेसर मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरास मिलते हैं, एंड 5 कैमरा वाली डिस्प्ले भी मिलती है। और iQOO ने इस फोन की प्राइस रखी है 1598 yuan, यानी कि करीबन 17,000 रूपीज की प्राइस पर ये फोन आज चाइना में लॉन्च हो गया है। और दोस्तों, आज की आखिरी न्यूज है Vivo की तरफ से। तो आज Vivo X50 सीरीज का प्रोडक्ट पेज Flipkart पर लाइव हो चुका है, जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में सून लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आप लोग Vivo X50 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतनी ही टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।